Vicious barrage. A pack of wolves is on the prowl, and over the past month and a half, these predators have killed many in the region. They hunt in packs and have unleashed terror in 35 villages off Bharaich for 2 months now. Let's get you a ground report by India Today's Samar Srivastava. घरों के बाहर मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, सभी अपने घरों में दरवाजे बंद करके ही सोए। Now India Today TV is on the ground. It's 2 a.m. and we are in middle of one of the villages where we saw various attacks. And now the police teams are also combing this particular area, alerting the officials to, in a way, get into action or sleep inside. And you can clearly see the police vehicles right here. Other members as well, as you clearly see the police vehicles moving from one place to another. And that's the visuals from the night. India Today TV is currently showing you the actions being taken by the police department against this wolf attacks, back-to-back attacks which are happening. But the scenario, you can clearly see these sirens of Bahraich police are alerting the people, the villagers out here. हाँ सर, जो है जोन में लगाया गया है चार टीमों में, और हर टीमों में जो है चार चार पाँच पाँच छः छः गांव आउटर गांव लगे हुए हैं। रात भर हम हर गांव में भ्रमण करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं भेड़िए से संबंध में कि अपनी सुरक्षा जागते रहो और घर के अंदर बच्चों को रखें और अपने भी सुरक्षित रहें और जो है जागते रहें। जो है सभी अपने घरों में दरवाजे बंद करके ही सोए और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। खासतौर से अपने बच्चों को घर के अंदर ही लेकर सोए। जंगली जानवर हैं, घूम रहे हैं, कभी भी कोई अटैक कर सकते हैं, कोई बात हो सकती है, तो कृपया करके आप अंदर जाइए और बाहर न सोइए और बच्चों को भी अंदर रखिए और दरवाजा बंद करके ही सोइए। बाहर कोई भी मच्छरदानी लगा करके न सोए। आप लोग देख रहे हैं कि भेड़िए काफी बना हुआ है, जब तक भेड़िए पकड़ नहीं जाता है जब तक आप लोग जो है बाहर न सोए। बाहर मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं। अब लाइट नहीं थी तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती रही यहाँ पर। लाइट की वजह से आप बाहर सो रहे हैं? हाँ, लाइट की वजह से। हम नहीं आ रही है लाइट? नहीं आ रही है। कब से नहीं आ रही? कल शाम से नहीं आ रही, एक बार आई थी फिर से लाइट नहीं। अधिक निर्देश दिए गए थे कि रात में लाइट आए? दो दो है, मतलब लाइट नहीं आ रही तो क्या करें? आइए बल्ब दिखाते हैं यहाँ पे आपको। ये देखिए, ये घर है इनका, यहाँ इनका एक बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर दिखाते हैं तस्वीर आपको, ये स्विच ऑन है। ये कहानी है रात की बिजली की। आपने एक निर्देश देखा होगा जिसमें कहा गया था कि कुछ भी करें रात में इन गांव में लाइट दें, कटिंग करनी है दिन में करें। लेकिन यहाँ मैं सब कर रहा हूँ लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि बल्ब इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि बिजली नहीं आ रही और उस मजबूरी में गांव वाले सो रहे हैं बाहर। There is no electricity in this particular village at present. It's 2 a.m. Also, no street light as claimed, no doors whatsoever as claimed by the administration. So the question is raising that what administration is doing when state government ordered the doors and street lights, but nothing concrete could be seen on the ground. When India Today TV comes on the ground, it's quite hard to understand then how, without such efforts, how the attacks of wolves will be stopped. हम लोग सुरक्षा अपन अपन खुद के कही लेवे तो हमरे लोगन बच्चन के लिए कोई घटना न घटी, एहे के लिए सब लोग भैया सुरक्षित रहो। अब आज से बढ़ाए गए हैं, दुधवा से भी एक्सपर्ट लोग आए हैं और अपर मुख्य वन संरक्षक, प्रधान वन संरक्षक वो भी आए हैं, कुछ एक्सपर्ट आए हैं, उन लोगों को मिला करके करीब कई जनपदों के DFO आए हैं। तो बड़ी टीम आई है और चार टीमों में उनको विभाजित किया गया है। अब उस पर कार्रवाई तेजी और तेज की जा रही है। तो आप मानते हैं कि रात में कॉम्बिंग हो सकती है, पकड़ा जा सकता है? रात में नहीं हो सकता, रात में पकड़ा नहीं जा सकता, रात में पकड़ा नहीं जा सकता। तो हम लोग सुरक्षा अपन अपन खुद के कह लेवे तो हमरे लोगन बच्चन के लिए कोई घटना न घटी।